अगर आपने लाइफ में पहली बार कम्बुचा का एक सिप लिया और आपको लगे कि भाई वाह ये कितनी शरबत जैसी स्वाद है, तो या तो आप बेहद ही खास हैं या वो बेहद ही बेकार कम्बुचा है, क्योंकि कम्बुचा होती है खट्टी और ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है जैसे ब्लैक कॉफी। आइडियली आपकी कम्बुचा बस इतनी मीठी होनी चाहिए कि आप उसको आराम से पी पाएं विदाउट फीलिंग यू आर ड्रिंकिंग विनेगर। अगर आपकी कम्बुचा ज़्यादा मीठी है यानी कि वो प्रॉपरली फर्मेंटेड नहीं है, वो आपको ना तो हेल्थ बेनिफिट्स देगी बल्कि जो उसमें प्रोसेस शुगर है, चाहे वो केन शुगर है, डेट, पाम या कोकोनट, वो आपके लिए हार्मफुल है। टेस्टी बट एडिक्टिव एंड हार्मफुल। कम्बुचा का टेस्ट होता है कहीं पे एप्पल साइडर विनेगर और आइस टी के बीच में, क्योंकि कम्बुचा की शुरुआत होती है काली मीठी चाय से, जिसमें कम्बुचा कल्चर का जो यीस्ट होता है वो शुगर को ब्रेक डाउन करके दो चीज़ें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिससे आपको फिजीनेस मिलती है और अल्कोहल। बट जो कम्बुचा कल्चर में एसिडिक एसिड बैक्टीरिया होता है इस अल्कोहल को ब्रेक डाउन करके एसिडिक एसिड बनाता है, तो दैट्स व्हाट मेक्स कम्बुचा फिजी एंड सावर। अब जो भी कम्बुचा लें मेक श्योर इट्स अनपैश्चराइज्ड, क्योंकि कम्बुचा का एक बड़ा बेनिफिट है उसके अंदर के प्रोबायोटिक्स जो हमारी गट हेल्थ के लिए जरूरी है, और एक बारी कम्बुचा पैश्चराइज कर दी तो ये हेल्थ बेनिफिट जीरो। आप एनर्जी ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड बेवरेजेस की जगह डायरेक्टली कम्बुचा पी सकते हैं, क्योंकि कम्बुचा में चाय से कैफीन होती है और ये नेचुरली फिजी होती है। कम्बुचा को डायरेक्टली पीने के अलावा आप इसको एप्पल साइडर विनेगर की तरह पानी में मिला के भी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पी सकते हैं, और सर्दियों में आप इसमें थोड़ा सा सिनेमन और क्लोव डाल के बहुत हल्की आंच पे गर्म करें तो यू गेट अ नाइस हॉट बेवरेज इन विंटर्स। मैंने कम्बुचा 20 साल पहले ब्रू करनी शुरू करी थी क्योंकि यूएस में कम्बुचा बड़ी महंगी होती थी। मेरे पास 3 लीटर का एक जार था जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, और आज भी हमारे पास 3-3 लीटर के सैकड़ों जार हैं जिसमें हमारा हर बैच हैंड ब्रू होता है, ना कि स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक के किसी बड़े ड्रम में, और वो भी विदाउट एनी आर्टिफिशियल कार्बोनेशन। मैं हमारी कम्बुचा का हर बैच बॉटल होने से पहले पर्सनली टेस्ट करता हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेशक हमारी बोतलों पे लेबल सीधे ना लगते हों, पर अगर हमारी कम्बुचा से बेहतर कोई कम्बुचा है तो वो जो शायद आप घर में खुद ब्रू करेंगे, क्योंकि अपने हाथ की बनी चीज़ की बात ही कुछ और है।